जिन दोस्तों को ये बता दिया गया कि भाई आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो जब डॉक्टर ये कहता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेजी के साथ लोगों में फैल रही, हाथ पाँव में जकड़न सी रहती है, दर्द सा रहता है और आदमी बड़ी टेंशन में चला जाता है। एक प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, एक फ्रेश लाइफ होनी चाहिए, जिंदगी एक अच्छी सेहतमंद होनी चाहिए। इन दोस्तों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बता दिया गया, उनके लिए बड़े बेहतरीन दो नुस्खे बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके बड़े काम आएगी। अल्लाह ना करे कि आपके घर में किसी को हो या आपको अगर हो गई है तो बिल्कुल ना घबराए, इन दो नुस्खों में से किसी एक नुस्खे को ट्राई कर लीजिए, आप इस बीमारी से बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। आपके खून की जो गंदगी है, जो कचरा है, जो वहाँ जमा हुआ है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। हुकमा ने हमें बड़े अच्छे नुस्खे दिए। पहले नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपको तीन चीज़ें लेनी है, पंसारी के पास जाएंगे, ज़्यादा महंगे भी नहीं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। तीन चीज़ें आप ले आइए और इन तीनों को बराबर मिकदार में लाइए। जितनी भी एक चीज़ लेंगे उतनी ही दूसरी और उतनी ही तीसरी। सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा, दूसरे नंबर पर आपको लेना है सोरिंजान शीरी, तीसरे नंबर पे आपको लेना है सौंठ। बराबर मिकदार में ले लीजिए और इनको पीस लीजिए, कूट लीजिए अच्छे से। कूटने के बाद एक डब्बे में रखें, रोज़ाना तीनों वक्त में एक एक ग्राम आपको पानी के साथ या फिर दूध के साथ, वो आपकी चॉइस है जो आपको बेहतर लगे, या तो पानी के साथ या फिर दूध के साथ, रोज़ाना तीनों वक्त में, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी एक एक ग्राम खा लीजिए। मुश्किल से दो महीने लगेंगे, खून की जो गंदगी है, जो कचरा है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आसानी के साथ आप हजरात को ये चीज़ें बताएं जो समझ में भी आ सके और आप कर भी सके। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप बिजी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा नुस्खा आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बड़ा काम का है। दो चीज़ें आपको लेनी है, अजवाइन और अदरक। दोनों चीज़ों की एक एक चम्मच ले लीजिए, कसा हुआ अदरक और अजवाइन, और एक गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए, अच्छे से पानी को उबालिए। नाश्ते से आधे घंटे पहले इस पानी को आपने रोज़ाना पीना है, रोज़ाना इसको पी लीजिए। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि गर्म तो नहीं होगा, भाई इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलतू फालतू चीज़ें, कभी कोई सवाल नहीं करता क्या ये चीज़ हमें नुकसान तो नहीं देगी। ये सारी कुदरती चीज़ें, इनका कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मिकदार में ले रहा, बहुत उसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, तब जाकर कोई चीज़ नुकसान देगी, ये चीज़ नुकसान नहीं देगी। क्योंकि ये चीज़ क्या करेगी, अंदर जो खून के अंदर जहरीले जहरीले मादे पड़े हुए हैं, जो अंदर खून जमा हुआ है, जो कचरा है, उसको बाहर निकाल कर फेंके। ये दोनों नुस्खे थे, मैंने आपको बता दिए। इन दोनों नुस्खों में से किसी एक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन दोस्तों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनसे कहिए कि इनमें से किसी एक पर अमल कीजिए और थोड़ा सा परहेज़ करें बाहर के खानों से, घर के खाने को आज से ही खाना शुरू कर दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए।